बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नई रेसिपी, नई सुबह और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छा जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीस। तो मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, मेरे पास ये देखे बोनलेस चिकन है जो कि मैंने क्यूब्स की तरह काट लिया है। 1 kg है, 1 kg के करीब मेरे पास चिकन है। एक छोटा सा प्याज है जो मैंने चॉप कर लिया है। ये मेरे पास सिरका है जो 2 tablespoon सिरका है। सोया सॉस, सिंपल सोया सॉस है 4 tablespoon। और मेरे पास है चिकन पाउडर, क्योंकि अजीनोमोटो नहीं है तो आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल करें, चिकन जायके का इस्तेमाल करें, वही फ्लेवर आता है। काली मिर्च है 1 teaspoon, ये कुटी लाल मिर्च है 1 tablespoon, चाट मसाला है 1 tablespoon में डालूँगी, नमक हसबे जायका, केचप है 1 cup केचप है मेरे पास, और 4 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, ये देखें 4 धनिया है, और थोड़ी सी शिमला मिर्च, यानी कि छोटी छोटी 4 शिमला मिर्च थी मेरे पास, और थोड़ी सी बंद गोभी है जो कि मैंने चॉप की है, और 1 teaspoon अदरक लहसुन की पेस्ट है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें पानी गर्म हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ मैक्रोनीस। 2 packets मैं तो बना रही हूँ, तो आप 1 packet के हिसाब से मैं आपको सारा बताऊँगी। तो इसमें थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच जो है 1 teaspoon मैं इसमें नमक डालूँगी, तो 1 teaspoon ही मैं ऑयल डालूँगी। तो अब मैं इनको पकाती हूँ मैक्रोनीस को, 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको। अच्छा जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें फूल गई हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई। आप हाथ से दबा के जैसे चावलों को चेक करते हैं, ऐसे इनको भी चेक करें, और ज़्यादा बिल्कुल मलीदा नहीं इनका करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है। इनको मैं छाननी में निकाल रही हूँ और ऊपर मैं ठंडा पानी डालूँगी, यानी कि नलके का ठंडा पानी डालूँगी इनको ठंडा करने के लिए। अच्छा जी, ये देखिए अब मैं पानी डाल रही हूँ इनके ऊपर, क्योंकि जब मैंने निकालना है तो आपने अच्छी तरह इनके ऊपर पानी डालना है। ठंडी हो जाए, मैक्रोनीस होगी रेडी। चलिए अब अपने मसाले की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब देखिए मैंने 1 cup ऑयल डाला है, इसमें मैं अपना 1/2 kg चिकन डाल रही हूँ। इसी के साथ में रहते हैं मैं तेज़ी डाल रही हूँ, झटपट सी रेडी हो जाएगी मसाले का। अच्छा जी, मैं इसमें प्याज डालना भूल गई थी, जो कि मैंने अभी डाला है, थोड़ी देर पहले मैंने प्याज डाला है। चलो, बंदा बच्चा तो भूल ही जाती है, गलती की माफ़ी। अच्छा जी, अब मैं इसको देखिए चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, इसी के अंदर मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, सिरका, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च। अब मैं चिकन को अच्छी तरह गलने तक भूलूँगी। अच्छा जी, ये देखें अच्छी तरह हो गया चिकन मेरा जो है वो रेडी हो गया। अब मैं इसमें डाल दी नमक, काली मान नमक डालो, और अब इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ, सारा डाल दो। इसको मैं मिक्स करती हूँ, फिर मैं सब्जियाँ डालती हूँ। अच्छा जी, मेरे पास सब्ज़ मिर्चे ऑप्शनल है, बच्चे नहीं खाते तो आप बेशक ना डालें। गाजर का इस्तेमाल भी होता है, मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, प्रैक्टिस में खा जाते हैं, इसमें नहीं खाते, इसलिए मैं नहीं डाल रही। आप डाल लें क्यूब्स छोटे छोटे करके। अच्छा, सब्जी को मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। आँच मैंने तेज़ कर दी है, चिकन हो गया है मेरा फ्राई। अच्छा जी, अब मैं सॉस डाल रही हूँ, सॉस के साथ मैं इसमें 1/2 glass पानी डाल रही हूँ, और बाकी यखनी डालते हैं। आप यखनी डालिएगा अगर वो आपके पास ले तो पानी, थोड़ी सी ना मैंने इसकी ग्रेवी करनी है। अब मैं मैक्रोनीस डाल रही हूँ इसमें, जितनी देर में मैक्रोनीस डाल रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा,
क्योंकि हर मेरी आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अच्छा जी, इनको अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करते हुए इसी में चाट मसाला 1 टेबलस्पून, नमक ज़रूर चख लीजिएगा कि नमक कम ना हो। इसी में मैं धनिया डाल रही हूँ एंड पे। अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। अच्छा जी, मैक्रोनीज हो गई रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने टेस्ट किया, बहुत मज़े की बनी है और स्पाइसी बनी है। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी नहीं करनी तो आप कुटी लाल मिर्च जो है वो बेशक ना डालें, काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें। काली मिर्च ना डालें, लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो दोनों हाफ हाफ कर लें। चलें जी, मैं आप इसको डिश आउट करती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी होगी रेडी, बहुत मज़े की बनी है। आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला कल नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।